ਰੂਸ ਨਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਟੀਮ ਹੈ। डिजर्विंग है वो जो अभी टीम में है, तो पूरी टीम अभी रेडी है कल के लिए, तो फिट है पूरा। अभी जैसे सीनियर हैं, अभी एस वी सुनील है, ललित उपाध्याय, रुपिंदर पाल सिंह, जहाँ पी एस श्रीजेश हैं, वरिंदर लाकड़ा है जो वरुण की इंजरी के बाद अभी टीम में वापसी की उन्होंने, तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा कहीं ना कहीं टीम में फ़र्क लाता है। तो जैसे आगे एस वी सुनील है, वो स्ट्राइकर्स के लिए हमेशा लीड लेके चलते हैं, हमेशा स्ट्राइकर्स के साथ एक साथ चलते हैं। तो पीछे वैसे ही डिफेंडर में जैसे रुपिंदर पाल सिंह है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हमारे पास, बेहतरीन ट्रैक फ्लिकर्स भी हैं उनमें से एक है, ठीक है। और पीछे डिफेंस को भी पूरा साथ में लेके चलते, ग्राउंड कीपर वो हमेशा काम रहते हैं। तो हर प्लेयर जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए टीम में है। तो बाकी प्लेयर भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग अंडर एस्टिमेट ना करें, जैसे हमारे पास यंगस्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, विवेक सागर, नीलकांता शर्मा और जैसे कि हार्दिक सिंह है। तो मुझे लगता है कि सभी जो अभी जो टीम बनी है काफी अच्छा मिक्सचर है सीनियर प्लस जूनियर का। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन हुआ। सिख धर्म दे बानी महान दार्शनिक कुल दुनिया दे राह दसीरे श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश दिहाड़े दियां संसार भर दे कोने कोने विच वसदियां संगतां नूं लख लख मुबारकां। आओ गुरु साहिब दे दरसाए मार्ग ते चल के अपना जीवन सफला करिए, कुदरत बचाइए अते मनुखता दे हानि बनिए। इस महान अवसर ते अजीत वेब टीवी दी टीम अपने दर्शकां नूं श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश दिहाड़े ते होण वाले समागमां दी लगातार पेशकारी दिखा के रूहानियत दे रंग नाल जोड़ेगी। सो लगातार वेखते रहो अजीत वेब टीवी।